दूजिया कुछ किसान जथेबंदियां ने अंदोलन कर रहे किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल ते सरवन सिंह पंधेर नूं एकजुट होण दे लई चिट्ठी लिखी है, जिसका जवाब डल्लेवाल होरां दे वल्लों दित्ता गया है। डल्लेवाल का कहना है कि सियासत तो परे रह के जो भी इस अंदोलन दे विच उन्हां दा साथ देना चाहेगा वह उसका स्वागत करनगे। आप जो सवाल कर रहे थे कि भाई उन साथियों ने, जो हमारे कुछ साथियों ने हमें पत्र लिखकर कहा है, उस पत्र का जवाब पत्र के माध्यम से ही हमने उनको दिया है। ये पत्र उनके पास चला गया और आपके सामने भी हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये पत्र है। एकता से कोई नहीं भागता, आप सबको मेरा ख्याल है इस बात का जानकारी होगी कि हम वो आदमी बैठे हैं आपके सामने जिन्होंने पहले बार जब एसकेएम की का गठन हुआ उस समय एक अहम भूमिका निभाई है। सभी को हम जानते हैं किस तरीके से इकट्ठे किया और इकट्ठे रखा, लेकिन ये एक सिद्धांत था वहाँ पे कि किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करेगा। राजनीति करने से सभी को अवॉइड किया गया था और आंदोलन की डिमांड्स अभी बाकी थी, और जब तक आंदोलन की डिमांड्स बाकी पड़ी हैं तब तक किसी तरह की राजनीति करने की किसी को कोई अनुमति नहीं थी। और वो हुआ जो आपने देखा, एसकेएम को तोड़कर एसएसएम बनाया गया। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये है कि जो भी साथी एसकेएम को नॉन पॉलिटिकल रखकर जिस तरीके से हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने ये भी कहा कि भाई एसकेएम को शायद इन लोगों ने तोड़ा है। मैं ये प्रेस के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एसकेएम को बचाया ही इन लोगों ने है, जिन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाकर एसकेएम के ऊपर पहली बार वो तोड़ने का काम किया, उस बात को एक साइड पे रखते हुए, और जिन्होंने इसको बिल्कुल गैर राजनीतिक रखकर चलाने का प्रयास किया और उन्हीं डिमांडों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको ये कहना मुझे लग रहा है कि एकता बनाने के मामले में कहीं ना कहीं जब ऐसी वैसी बातें होती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर एसकेएम का जो नॉन पॉलिटिकल विचारधारा के ऊपर जिस तरीके से बना था उसी तरीके से अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो हम सबके लिए, हमारी कमेटी बन चुकी है, विचार चर्चा कर रही है, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। बहुत सारे संगठन हमारे साथ आ भी रहे हैं। दो दिन पहले आपको पता चला होगा खनौरी बॉर्डर के ऊपर तीन संगठनों ने आकर वहाँ पे, पंजाब के तीन संगठन वो वहाँ पे आए, उन्होंने लिखित में दिया और उनको सबको एसकेएम के अंदर शामिल किया गया है। और हाँ, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के अंदर उन सबको शामिल किया गया है। यूपी से संगठन आ रहे हैं उनको शामिल किया जा रहा है। अगर भाई दूसरों को हम शामिल कर रहे हैं तो इनके साथ किसी दूसरे के साथ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिद्धांतों की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के साथ हमारा कोई पर्सनल निजी लड़ाई नहीं है। इतना तालमेल में प्रोग्राम देकर किसी और तरीके से इसका समर्थन करना चाह रहा है तो वो अपने तरीके से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।